नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन ठाकुर आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम उड़ान में। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है जज्बा कुछ करने का, और आज हम एक ऐसी शख्सियत को आपसे रूबरू करवाएंगे जो कि ज़िंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलातों के बावजूद भी उनको पार करके जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। तो हम आज बात करेंगे अजीत चौहान जी से, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट कसुमटी शिमला में बतौर आशुलिपिक कार्यरत हैं। तो आशु चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार प्रकृति मैम, और कार्यक्रम देखने वाले तमाम दर्शकों को नमस्कार। और बैक एंड्स पे जो हमारी टीम कार्य करती है, जैसे हमारे कैमरा पर्सन, साउंड इंजीनियर, आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ही यह कार्यक्रम बहुत बेटर बन पाता है। और पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। और एक बार मैं आप सभी को आने वाली जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं, तमाम दर्शकों को और सभी लोगों को। भगवान कृष्ण आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आपके जीवन में उन्नति प्रगति हो। जय श्री राधे जी। पूरे दूरदर्शन की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशु जी। थैंक यू मैम। तो देखिए, जैसे कि हमारा ये कार्यक्रम है और आप जो शख्सियत हैं हमारे लिए बहुत ही ख़ास हैं, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी जो स्कूलिंग है वो कैसे हुई है। देखिए मैम, मेरी जो प्राइमरी से मिडल तक की जो स्कूलिंग है जी, वो दिल्ली से हुई है, जिसको ICSE दिल्ली के नाम से जाना जाता है जी। और उसके बाद की मेरी जो स्कूलिंग है वो इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड सेक्टर 26 में, हमारा एक इंस्टीट्यूट है जी चंडीगढ़ में। तो प्लस टू लेवल तक की जो एजुकेशन है मेरी वहाँ से हुई है जी। तो जैसे आपने बताया कि जो आप एक स्पेशल स्कूल में पढ़े हैं, तो जो ये स्पेशल स्कूल्स होते हैं वो मतलब किस तरह के वहाँ के टीचर्स होते हैं, किस तरह का उनका बर्ताव होता है, जो कि एक ऑफ स्ट्रीम चलते हुए जो बच्चे हैं उनको वो मेन स्ट्रीम में लेके आ जाते हैं, ताकि वो पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के चल सकें, किस तरह के टीचर्स होते हैं वहाँ पर। जी मैम, हमारे जो स्पेशल स्कूल्स में जो हमारे लिए टीचर्स थे, या ज़्यादातर जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं उनमें उसी तरह के टीचर्स रखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक दृष्टि दिव्यांग हूँ, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हूँ, तो उसी तरह के हमारे लिए जो है टीचर अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि वो लोग हमारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। उन्हें मालूम है कि एक हम लोगों के साथ क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, क्या क्या हमारे लिए चैलेंजेस रहते हैं, और वो हमारा विशेष ध्यान रखते हैं, हर चीज़ रखते हैं। और मैं आपको अपनी बात बताऊं कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था जी, तो हमारे टीचर थे परम आदरणीय मिस कांता शर्मा जी जी, जिनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने काफ़ी सहयोग किया हम लोगों के लिए, और आज हम जो कुछ भी हैं उसमें हमारी मैम मिस कांता शर्मा का बहुत बड़ा सहयोग है। वो हमारे लिए एक आज आदर्श के रूप में हम उन्हें पूजते हैं जी। तो इनका हम भी बहुत इज्जत से, हम लोग भी इनको नमस्कार करते हैं। तो देखिए, ये तो आपने अपनी स्कूलिंग की बात की, और आपने ये बताया कि आप स्पेशल स्कूल्स में पढ़े हैं जहाँ के टीचर्स बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं सभी स्टूडेंट्स का, ताकि वो मॉरली हमेशा ही हाई रहें और कभी भी अपने आप को कम ना समझें और सबके बराबर अपने आप को समझें, और एक अच्छे समाज में, एक अच्छा समाज बनाने के लिए अपना उचित योगदान भी दें जी। जी जी, तो आपकी जो आगे की पढ़ाई है स्कूल के बाद की, वो कैसे हुई है। देखिए मैम, आगे की पढ़ाई का जहाँ तक आगे की जो हमारी पढ़ाई है वो एक आम कॉलेजेस में होती है जी, जिस तरह से आप लोग पढ़े हैं या हमारे अन्य साथी पढ़ते हैं। तो जो हम लोग हैं दिव्यांगजन, वो हम लोगों एक समान शिक्षा प्राप्त करते हैं जो कॉलेज
लेवल की है या जो भी हायर लेवल की जो एजुकेशन होती है जी, वो आम उसमें ही लेते हैं। वैसे तो जो मैं अगर स्कूल लेवल की बात करूं, आजकल जो इंक्लूसिव स्कूल की हम बात करते हैं, तो आजकल तो इंटीग्रेटेड स्कूल भी हैं। तो हमारे जो यहाँ पे कई स्कूल हैं, जैसे कि नैब, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड कुल्लू, तो वो इंटीग्रेटेड स्कूल की बात करते हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वो सिक्स्थ के से लेकर ट्वेल्थ तक एक आम स्कूलों में पढ़ते हैं, जहाँ की अन्य जो साइटेड पर्सन होते हैं, जो दृष्टिवान व्यक्ति हैं, उन लोगों के साथ उन लोगों की शिक्षा होती है। अब समय क्योंकि बदल चुका है, तो पहले जो है जो कॉलेज है, तो कॉलेज तो अब भी वैसा ही है, और हालांकि जो लो लेवल की जो शिक्षा है, मतलब कि मैं अगर बात करूं हायर सेकेंडरी और मिडिल स्कूल की बात, तो वो उसमें पढ़ने लगे हैं। और कॉलेजेस तो पहले भी आम ही होते थे, तो हमारी भी शिक्षा दीक्षा उसी प्रकार से हुई है जी। तो जो आपके कॉलेज की पढ़ाई, जो आपने बताया कि आपकी आम स्कूलों में हुई है, जहाँ पर सभी तरह के बच्चे पढ़ते हैं, नॉर्मल बच्चे भी पढ़ते हैं, तो किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा इस शिक्षा ग्रहण के दौरान? देखिए मैम, चुनौतियाँ तो इंसान के लाइफ में आती हैं जी, बिल्कुल। और मैं बार बार एक शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, बींग ए चैलेंज, यानी कि विजुअली चैलेंज्ड, हम लोगों के सामने प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा होती हैं जी। क्योंकि जैसा मान लीजिए कि आप लोगों के पास नोट्स या बुक्स इजीली अवेलेबल हो जाती है जी। मैं पुराने समय की बात कर रहा हूँ, जब हम पढ़ा करते थे, तो आज का तो समय खैर कुछ और है। तो हमारे सामने भी बहुत चुनौतियाँ होती थी कि हमें किसी को बोल कर जो है अपने जो सिलेबस जो होता था हमारा, हमें उसे रिकॉर्ड करवाना होता था जी, लेक्चर्स और जो भी लेसन्स और ये होते थे, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम होती थी। और हमारे सामने एक सबसे बड़ी चुनौती रहती थी स्क्राइब्स, यानी कि जो हमारा पेपर लिखते हैं जी। तो कई बार क्या होता था कि वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, और आज भी थोड़ा बहुत है, लेकिन आज का समय थोड़ा बदल गया है जी, लेकिन वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और हम लोगों को कई बार ऐसा भी हुआ है कि पेपर के टाइम में हमने किसी को पेपर के लिए किया जी, और उसने कभी कह दिया कि मैं आपका पेपर नहीं दे सकता, तो हमें उस बात को सोचकर बड़ा दुख होता था जी, कि काश हम देख पाते और हम भी अपना पेपर खुद करते जी। इस बात का हमें आज भी रियलाइज़ होता है कभी कभी कि मतलब कि ये ऐसे चैलेंजेस किसी अन्य साथी के जीवन में नहीं आने चाहिए जी, क्योंकि ना देखना, वैसे तो आज के समय में कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है जी, परंतु उस समय जो है हमें बहुत दुख होता था ये जानकर कि जब कोई लोग हमारे लिए, पहले तो हाँ करता था, लेकिन एक ऐसे समय में वो मना कर देता था, ना तो हम कुछ करने लायक, पर फिर भी हमारे जो फ्रेंड्स थे, हमारा जो मित्र बंधु थे, उनका काफ़ी हमारे लिए मॉरल सपोर्ट रहता था। और आज मैं दिल की गहराइयों से उन अपने मित्र बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन लोगों की बदौलत आज हम यहाँ हैं जी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी जिस आप फ्रेंड सर्कल की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही सुसंस्कृत बच्चे रहे होंगे, और आगे भी अपना काम बहुत ही अच्छे से और ईमानदारी से कर रहे होंगे। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने पढ़ाई के दौरान ही अपना जो गोल है वो निर्धारित कर लिया था, या फिर पढ़ाई के बाद किसी ने आपको गाइड किया कि आपको ये करना चाहिए या ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए? जी प्रकृति मैम, ये काफ़ी अच्छा सवाल आपने मुझे पूछा जी। बिल्कुल, हर एक की ज़िंदगी का एक उद्देश्य होता है, एम इन लाइफ सबका होता है। तो मैंने भी सोचा था कि मैं एक एडवोकेट बनूँ, एक अधिवक्ता बनूँ जी। तो उसके विषय में मैं ऐसा हुआ कि एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज थे जी, संसाधनों की कहीं ना कहीं कमी थी, या हमें नॉलेज नहीं थी जी। तो मेरे मित्रों ने कहा कि तुम कैसे करोगे, मतलब कि आप कैसे कर सकते हो, आपके सामने बहुत चुनौतियाँ आएंगी, या ये होगा वो होगा जी, जो भी है। तो
कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि मेरे मित्र बंधुओं ने भी थोड़ा सा मुझे एक तरह से, मतलब पूर्ण रूप से मैं डिमोरलाइजेशन उसको नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी ये था, क्योंकि उनके पास भी एक तो लैक ऑफ नॉलेज, जो मतलब ज्ञान पूरा ना होने की वजह से ऐसा हुआ। तो इस वजह से मैं अपने जो एम को है वो पूरा नहीं कर पाया जी, और इस बात का मुझे थोड़ा सा मतलब अफसोस भी है, परंतु थोड़ी खुशी भी है जी, क्योंकि आपने एक मिलते जुलते ही क्षेत्र को चुना अपने करियर में। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में आप बतौर आशुलिपिक कार्यरत हैं, तो ये मैं दर्शकों को भी ये कहना चाहूँगी कि देखिए आपके सामने एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी शख्सियत से आप रूबरू हो रहे हैं जिनसे हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर मान लीजिए हमने कुछ सोचा है ज़िंदगी में और वो हमें ना मिले या फिर हम वो ना कर पाए, तो हार मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और भी बहुत रास्ते हैं जो हमारे लिए खुले हुए हैं। जैसे कि आप एक एडवोकेट नहीं बन पाए, एक अधिवक्ता नहीं बन पाए, लेकिन आप प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में बतौर आशुलिपिक कार्यरत ज़रूर हैं जी। जी, तो आप इस फील्ड को, इस क्षेत्र को अपने करियर में किस तरह से आगे ले जाना चाहेंगे, क्या सोचते हैं आप इस करियर के बारे में कि आप कहाँ तक जाना चाहेंगे इसमें? जी मैम, बहुत अच्छा सवाल आपका जी, धन्यवाद। इस फील्ड में मैं सोचता हूँ कि जैसे कि हमारे विभाग में जी जो सर्वोच्च जो पद है जी वो सुपरिंटेंडेंट का है, एक जी अधीक्षक जी ग्रेड वन जो होता है उसका सर्वोच्च पद है, तो मैं उस तक जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सोच हमेशा हाई होनी चाहिए जी। APJ अब्दुल कलाम कहते थे कि जब आप सपने देखोगे तभी उसे पूरा कर सकते हो, यानी कि स्वप्न देखना अच्छी बात है, और वो खुद भी जो है राष्ट्रपति के पद पर गए, एक काफ़ी मतलब ग्राउंड लेवल से वो उठे, तो अब्दुल कलाम साहब और ग्राउंड लेवल से जो उठे उन्होंने कहा कि सपने देखना जो है एक बहुत अच्छी बात है, तो उस तरह के मैं भी एक सपने देखता हूँ कि जो हमारे कार्यालय की जो सर्वोच्च जो पोस्ट है अधीक्षक की जी, तो मैं उस तक जाने का अपना सपना देखता हूँ जी। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जो चाहते हैं, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, वहाँ तक आप ज़रूर पहुँचें। थैंक यू प्रकृति जी। तो इस मुकाम तक, जिस मुकाम पे आप आज हैं, उस मुकाम तक आप किस तरह से पहुँचे, किस तरह से आपने इसके लिए तैयारियाँ की, किस तरह से मेहनत की है? जी मैम, वैसे तो देखिए ऐसा है कि मेरी पढ़ाई जी, और पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है देखिए मकान हासिल करने के लिए, तो इसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने, मैंने जो है थोड़ा सा इंटरव्यू की तैयारी की हिमाचल में, उन दौरान काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज निकल रही थी, तो मैंने भी इस पद के लिए आवेदन किया जी, और इंटरव्यूज़ हमारे हुए जी, और जैसा कि एक प्रक्रिया होती है टाइपिंग टेस्ट या वो सब, तो टाइपिंग टेस्ट भी मैंने, टाइपिंग भी मैंने वहाँ पे की थी, तो हमारे जो निदेशक साहब थे उस समय के जी, कि वो भी एक तरह से हैरान हुए कि अरे ये क्या इसने टाइप किया है इस तरह से, मतलब उन्हें एक तरह से हैरानी होती, जैसे होता ही है आमतौर पे कि हाँ कि ये किस तरह से कर, हाँ ये कैसे कर लिया हाँ, जी जी। तो जो मेरे सहयोगी थे, मतलब अभी आजकल में वो सहयोगी है मेरे वो सर, तो उन्होंने सर से कहा कि हाँ ये इन्होंने स्वयं से ही टाइप किया है जी, तो सर को हैरानी हुई, और फिर मेरा पर्सनल जो इंटरव्यूज़ होते हैं उस तरह से, जिस तरह से मतलब आम प्रक्रिया होती है उसी तरह से इंटरव्यूज़ लिए गए थे उन दौरान, 2008 की अगर मैं बात करूँ, 2008 की जी, तो लिए गए और मेरा सिलेक्शन हो गया फिर उसमें जी। जी तो देखिए आपने जो विभिन्न चरण होते हैं जैसे आशुलिपिक के लिए, जो विभिन्न चरण होते हैं उन चरणों के को आपने एक के बाद एक उत्तीर्ण किया जी जी जी। तो हम आपसे विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने टाइपिंग की बात की, आपने टाइपिंग की, टाइपराइटर आपने चलाया है, तो ये किस तरह से पॉसिबल हुआ? जी मैम, अब मैं ये भी, आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है, जब हमारी जो
हायर और सेकेंडरी लेवल की जो मेरी एजुकेशन थी जी चंडीगढ़ में इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें एक एडिशनल एक्टिविटीज़ वोकेशनल ट्रेनिंग हम कह सकते हैं उसको जी, तो उसके दौरान उसमें हमें जो है टाइपिंग और अन्य जो चीज़ें हैं वो सिखाई जाती है जी, ताकि आप अपने कार्य को करने में सक्षम हो सकें जी, और एक जो व्यक्ति को है उसे सबके साथ कंपीट करने के लिए जो है प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है कि हमारा जो बच्चा है वो आम लोगों के साथ मुकाबला कर सके, और वो हर तरह की वो फैसिलिटीज़ हमें प्रदान करते थे, चाहे वो टाइपिंग है या कुछ अन्य चीज़ें भी है जिसका जैसे वीविंग और ये सब चीज़ें जी, तो इन सब चीज़ों में मैं नहीं गया था। मतलब कि आपको टाइपिंग में याद करवा दिया गया था कि कौन सा टाइपिंग, हाँ टाइपिंग में जैसे आमतौर पे जो जैसे अन्य लोगों को टाइपिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है उसी तरह से हम लोगों को भी टाइपिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। जैसे आप सभी जानते होंगे तमाम हमारे दर्शकगण की जो कीज़ होती हैं ASDFG, और तो उनको बाद में जब हमारे मन में जो हमारी मेमोरी में जब वो कीज़ में बैठ जाती जी, मतलब कि वो सब कुछ आपको याद हो गया। तो अजीत चौहान जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। हम अगले कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ फिर से रूबरू होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।